नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा आज चैनल से हूँ, आरजी न्यूज़ चैनल से। और आज हमारे सामने हमारे प्रत्याशी 125 कैंट विधानसभा से शिवसेना से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, युवा वर्ग हैं। और इनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपके अपनी विधानसभा से किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और आपके क्या मुद्दे रहेंगे, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? राम गोपाल अर्जुन कश्यप। अच्छा, तो आप कौन सी मतलब प्रत्याशी हुए हैं, कौन सी कैंट से? मैं 125 कैंट विधानसभा शिवसेना से प्रत्याशी हूँ। तो आपकी शिवसेना की क्या विचारधारा है, किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हम क्षेत्र की जनता को जो जल भराव और की समस्या से निदान दिलाने का काम करेंगे। क्षेत्र में जो गुंडागर्दी है उस पर लगाम लगाएंगे, पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और शिक्षा व्यवस्था अच्छी, उत्तम और सस्ती करेंगे। और क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित महसूस करें। तो आपकी विधानसभा 125 कैंट विधानसभा है, तो आप विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम आपने अपनी जनता के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए जो जल भराव की समस्या है वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा, और सारी कैंट विधानसभा में जो समस्याएं हैं उसका सबसे पहले मैं पूर्ण रूप से निवारण करूंगा और जनता के बीच जनता का सेवक बन के जनता के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। 125 कैंट विधानसभा में जगह जगह कार्यालय बना के जनता के 24 घंटे समस्याओं का निवारण करने का मैं काम करूंगा। आपके सामने एक मजबूत पार्टी है बीजेपी, और उसको लेकर आप किससे अपनी फाइट मानते हैं? देखिए, ये इस बात का फैसला जनता जो है आगामी 14 फरवरी को करेगी, और जनता ये जानती है इस कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी रह चुके हैं और उन्होंने क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। ठीक है सर, हमने आपसे मुलाकात खास बातचीत दिखाई 125 कैंट विधानसभा से राम गोपाल जी, मैं अवधेश शर्मा आरजी न्यूज चैनल के लिए। मैं राम गोपाल अर्जुन कश्यप 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी शिवसेना, सभी क्षेत्रवासी और देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।